हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय अनदर व्लॉग। और अभी हैं हम हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में स्थित डाक पत्थर बैराज पे, और यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको डाक पत्थर बैराज की सुंदरता को। और इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे बहुत ही जाने माने टूरिस्ट प्लेस पर, जिसके बारे में हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। तब तक आप गैस करते रहिए कि हम कहाँ पर जाने वाले हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे रास्ते में आने वाले हर एक ब्यूटीफुल प्लेस को। तो तब तक के लिए हम वीडियो को थोड़ा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा लंबा है। इस बोर्ड से आपको कुछ हिंट मिल सकता है। हमारे साथ हैं हमारे कुछ दोस्त जिनका इंट्रो हम आपको थोड़ी देर बाद करवाएंगे। संकट मोचन हनुमान की जय। बालाजी धाम के दर्शन करते हैं हम यहाँ से, और उसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से थोड़ी दूरी तय करने के बाद आता है IMA देहरादून, जो कि अपने आप में खूबसूरती छिपाए हुए है। IMA देहरादून से गुजरते हुए आप में जो देशभक्ति और आपका जो सेना गर्व से चौड़ा होगा वो अकथनीय है। और हम पहुँच चुके हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पहुंच चुके हैं अभी देहरादून में। तो मैं अभी आपको अपने दोस्तों के साथ इंट्रो कराता हूं। अभी मेरे तीन दोस्त मेरे पास आ चुके हैं, बाकी दो अभी लेट हैं, तो अभी तीन से मिल लीजिएगा। ये हमारे जग्गू, हमारे गुरप्रीत जी, और ये हमारे विजय। वो दो दोस्त अभी आने वाले हैं, तो तब तक हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर देहरादून को। और ये आ चुका है हमारा चौथा दोस्त, और दूसरा जो नंदन अभी आने वाला है वो ये पांचवा दोस्त आ चुका है। और इसके बाद इन जो हमारे दोस्तों में है, जो दोनों लेट आए हैं, उनमें जो लड़ाई है वो एक प्यार की लड़ाई है, जो कि आपको थोड़े ही समय बाद देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं देहरादून से मशहूरी की तरफ के अपने इस ब्लॉग को। ये है सिनर्जी हॉस्पिटल। और जो दोस्त दोनों लड़ रहे थे, उन दोनों में दोस्ती बनी रहे, प्यार बना रहे, तो इसके लिए हमने उन दोनों को एक साथ ही बाइक पर बैठा दिया है। दोस्तों चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ये है रास्ते का व्यू, जिसे कि हम थोड़ा जल्दी कवर करेंगे सो दैट कि हम अपनी मंजिल पे जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। और प्रकाशेश्वर महाराज का मंदिर, भोलेनाथ महाराज का मंदिर आपको यहाँ रास्ते में देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत स्थान है। आप यहाँ पर रुक सकते हैं, बट हमारे पास तो टाइम नहीं है। तो भोले बाबा की जय, और यहाँ से हम निकलते हैं। और दोस्तों ये हूँ मैं, और यहाँ के जो रास्ते हैं और जो यहाँ के मोड़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र हैं, बहुत ही शार्प हैं, तो बहुत ही सावधानी से आपको यहाँ पर चलना पड़ेगा। और जो यहाँ की ट्रैफिक है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आप थोड़ा सावधानी बरतें, रोड पर अच्छी तरह से चलें ताकि आप इस ट्रिप का एंजॉय अच्छे से कर सकें। हेलो दोस्तों, अब हम मसूरी पहुंचने वाले हैं, और उससे पहले थोड़ा रेस्ट किया जा रहा है। और ये बबाल, दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं मसूरी के माल रोड में। मसूरी का इतिहास 1825 में कैप्टन यंग, एक ब्रिटिश अधिकारी, और श्री शोर देहरादून के निवासी और अधीक्षक के द्वारा न्यू मसूरी प्लेस के द्वारा आरंभ होता है।
अब हम यहाँ पर आपको यहाँ की कुछ ब्यूटीफुल सी चीजों को दिखाते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पर मशहूर के पौधे ज्यादा होने से इस जगह को मंसूरी कहा जाता है और यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा तो इसे मंसूरी नाम से जाना जाता है। और अब हम कैद करेंगे अपने कैमरे में यहाँ की ब्यूटीफुल चीज़ों को और उसके बाद हम विजिट करेंगे माल रोड में और यहाँ की डिफरेंट फैसिलिटी हम आपको दिखाएंगे जो कि आप यहाँ आकर अवेल कर सकते हैं। दोस्तों माल रोड पर आप ये लकड़ी से बनी हुई चीज़ें ले सकते हैं और यहाँ पर आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा चीफली है। और अब हम यहाँ के स्थानीय निवासी से बात करके यहाँ के बारे में कुछ आइडिया लेंगे। और दोस्तों अब आपको ये एक फिल्मी नज़ारा देखने को मिलेगा। दोस्तों इस 400 मीटर के रोपवे के द्वारा आप गन हिल तक जा सकते हैं। गन हिल पर जाकर आप हिमालय पर्वत श्रृंखला, दून वैली और मशहूरी शहर का पूरा आनंद ले सकते हैं। और बर्फ वाला कितना दूर होगा? कितने दूर है यहाँ से? कितना दूर है यहाँ से? 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर इस रास्ते भी है। और जैसा कि हमने पता किया था कि हमें 4 या 5 किलोमीटर के रास्ता तय करने के बाद बर्फ देखने को मिल सकती है। और अब हम आ चुके हैं इन बर्फीली सड़कों की ओर जहाँ पर हम बर्फ का नज़ारा ले सकते हैं। सड़क पर थोड़ा देख कर चलना क्योंकि सड़क बहुत ही ज़्यादा फिसलनी है। इन फिसलने वाली जगह पर आपको अपने आप को तो फिसलने से बचाना होगा, मगर आपको कोई और जो ऐसा लग रहा हो जिन्हें डर हो फिसलने का उन्हें भी बचाना चाहिए, जिसे कि हमारे विजय जी बड़े बखूबी तरीके से कर रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, अब आ चुके हैं हम बर्फ में, तो आपको दिखाते हैं यहाँ की बर्फ। ये मेरे कुछ जंगी साथी। हेलो हेलो हम यहाँ पे आनंद लेते हुए और यहाँ पे फिसलने का खतरा बहुत ही ज्यादा है। ये देखिए बर्फ, मैं इसमें यहाँ तक था बर्फ तक का हमारा सफर जिसे देखने के लिए हम यहाँ पर आए हुए थे। ये हमारे चंगू मंगू
और फिर लास्ट में चलो हम चलते हैं इस जगह से। तो लास्ट विजन इस जगह का हम देख के, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत जगह है और ये आप धूप और बर्फ को एक साथ देख सकते हैं। डन 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 अरे यार बोधी कहां मर गए बोधी। दोस्तों इस बर्फीली जगह से फिर हम अलविदा लेते हैं। बाय बाय मसूरी की बर्फीली वादियों, फिर मिलेंगे।